इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से रहवासियों के साथ संत समाज में क्रोध देखने को मिल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता और सेन समाज के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। दूसरी ओर मंदिर के साधु संतों और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया। यहां चल रहे हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। दरअसल यह प्रकरण थाना एरोड्रम के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र का है। सुपर कॉरिडोर के किनारे स्थित पवन टेकरी पर पंचमुखी हनुमान मंदिर आश्रम स्थित है, जहाँ के बीती रात किसी अज्ञात शख्स के द्वारा उस मंदिर परिसर में जो छोटे छोटे कुछ मंदिर स्थित हैं उनमें तीन मूर्तियों को खंडित किया गया है। पुलिस ने मंदिर के जो महंत हैं उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 295 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में लिया गया है। इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यों का संकलन किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिसर के महंत इत्यादि का यह आरोप है कि उनका विवाद गांधीनगर गृह निर्माण संस्था से जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रहा है और उन्हें उन पर शंका है कि समिति के लोगों के द्वारा भी यह कृत्य किया जा सकता है, किंतु इस संबंध में कोई अभी एविडेंस नहीं है। इस संबंध में पूरी जांच की जाएगी और साथ ही इस विवाद के पीछे और क्या विषय है उन सभी पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई की। फिलहाल पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।